Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. तो जब मैं न्यूयॉर्क गई और जब मैं वहाँ पे पढ़ रही थी तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा बोलते थे चलो आज म्यूजियम जाते हैं, लेट्स जस्ट सी व्हाट द आर्किटेक्चर एंड यू नो स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड टू बी। एंड वहाँ पर एक टूर गाइड भी रहता था जो हमें यू नो समझाते थे कि ये इस टाइम पीरियड का है, ये इस टाइम पीरियड का है। आई रियलाइज्ड थ्रू दोज टूर गाइड्स हु वुड एक्चुअली टेक अस इन टू द म्यूजियम्स, और जो वो अपने म्यूजियम के टूर करते थे और हमें बताते थे इनका हिस्टोरिकल फैक्ट, इनका हिस्टोरिकल वैल्यू, उसी में से मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया कि ये जो बता रहे हैं इनके आर्किटेक्चर के बारे में, वो आर्किटेक्चर तो 100 साल पुराना यहाँ पर भी है। आप ये सब हेरिटेज को आगे कैसे बढ़ाओगे? तो फिर उसी टाइम में जब मैं अमेरिका में ही थी, मेरे को ये आइडिया आया कि जब मैं वापस जाऊंगी ना, मुझे बल्गेरिया में कुछ करना है रेनोवेशन रेस्टोरेशन करके। आई वॉन्ट टू ओपन इट अप टू गेस्ट एंड आई वॉन्ट पीपल टू अगेन अंडरस्टैंड द ग्लोरी डेज ऑफ मयूरभंज। Grandmother told me that you know while we were doing the restoration, आपके दादा ने कुछ sketches बनाए थे एक sketchbook में। ये actually मुझे तभी मिली थी जब restoration का काम खत्म हो चुका था। यही interesting बात है कि जिस तरह मेरे grandfather ने बल्गेरिया पैलेस का विजन रखा था कि किस तरह कौन से रूम बेडरूम होने चाहिए, कौन से गेस्ट रूम्स, कौन सा स्पा, कौन सा बिलियर्ड रूम, आई थिंक 95% मैंने उनके विजन के हिसाब से ये घर रेडी है। अपने पूर्वजों की परछाइयों को पहचानने की कोशिश करती ये दो राजकुमारी अक्षिता और मृणालिका को यादों में लिपटे बेलगाड़िया के इस महल में घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे ये इतिहास की एक गली है जिसमें आज भी सब कुछ वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। जो मेरे प्लान्स थे लाइफ के प्लान्स वो सब बाहर थे कि अब स्कूल जाना है, तब कॉलेज जाना है, तब न्यूयॉर्क में रहना है। और आई यूज्ड टू से दिस थिंग कि आई विल बी लिविंग इन ऑल द फैशन कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर वाज अ पॉइंट जब मैं बहुत अनफुलफिल्ड या बहुत रेस्टलेस महसूस कर रही थी कि वो कंटेंटमेंट नहीं था। और तब यू नो माय सिस्टर एंड माय मदर वर लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट कम बैक टू मयूरभंज फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड यू नो सॉर्ट ऑफ रीअसेस व्हाट यू वांट टू डू विद योर लाइफ। इंडिया में 575 प्रिंसली स्टेट्स थे और ये स्टेट्स ब्रिटिश और मुगल्स और बहुत हमारी डायनेस्टीज से भी को प्रीडेट करते हैं। और मयूरभंज इन ईस्ट इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स था। हिंदुइज्म में एक सेज था जो का नाम था वशिष्ठ। तो सेज वशिष्ठ के जो पी फाउल थे उनकी आंखों से पहला आदिभंज प्रकट हुआ था। ये नेम भांजा हमें दिया गया था क्योंकि वी ब्रोक अ लॉन्ग लाइन ऑफ रूलर्स देयर एंड देव कम्स फ्रॉम देव व्हिच इज द भांजा गॉड्स। मेरी माँ राय बरेली यूपी चंद्रपुर स्टेट की थी
उनको खाना बनाने का शौक ज़्यादा नहीं था, लेकिन वहाँ की कुछ प्रसिद्ध खाना के बारे में। और हमारे एक आपू भी हैं, which in you know in Uriya means grandmother. When she got married, she used to stay in the main palace with my great grandfather. काकी ने मुझे एक काफ़ी सारी कंपाइल करके ये रेसिपीज दी, और जब हम उसको रेसिपीज़ को देखने लगे तो उनमें काफ़ी रेसिपीज़ थी जो बहुत यूनिक थी, नॉट जस्ट टू मयूरभंज बट ऑल्सो टू आर फैमिलीज। ये आपकी ट्रेजरी है, आप कोई भी पुरानी चीज़ को संभाल करके रखेंगे, उसी तरह हमको अपनी पर्सनल लाइफ में ज़रूरी था कि इस ट्रेजरी को हम संभाल के रखे रहें। मयूरभंज की उसी सहेजी हुई विरासत की एक मिसाल है उड़द दाल की बड़ी। सर्दियों में बनने वाली ये बेशकीमती चीज उसकी धूप की तरह ही बेहद हल्की होती है, इसीलिए स्वादिष्ट होने के साथ साथ ये पेट के लिए भी अच्छी होती है। तभी इसका रिश्ता मयूरभंज शाही रसोई के साथ पुराना भी है और अटूट भी। मयूरभंज के शाही खाने से यहाँ की मिट्टी का रिश्ता कितना गहरा है, इस बात की बानगी पेश करते हैं कुछ खास व्यंजन, जैसे मिट्टी में लपेट के बनाया जाने वाला अंडा। बड़ी सरलता के साथ बनने वाले इस व्यंजन की एक पहचान शिकार के दौरान आसानी से पक जाने वाले खाने के रूप में भी की जा सकती है। और इसी तरह एक और सदियों पुरानी तकनीक जिसमें मिट्टी की जगह पत्ते इस्तेमाल होते हैं वो है पोतुआ। पोतुआ तकनीक से बनने वाला मटन कीमा भी जमीन से जुड़े मयूरभंज के खानों का एक और हिस्सा है। कहते हैं कि शिकार से जब लोग थके मांदे लौटते थे तो इस तकनीक से ही झटपट अपने लिए भोजन तैयार कर लेते थे, जिसमें मांस को साल के पत्तों में लपेटकर आग के हवाले कर दिया जाता है, फिर आग अपना काम करती है और मटन पोतुआ तैयार हो जाता है। जो भी मयूरभंज के प्रिंसेसेस थे, जब भी वो जहाँ से भी वो आते थे, उनके तौर तरीके, उनके खाने के तौर तरीके, उनके स्टाइल्स वहाँ से यहाँ पर आते थे, और वो मिक्सचर एक मयूरभंज ही अलग ही अपनी लैंग्वेज थे। उसी प्रक्रिया की एक बेहद मीठी मिसाल है पान की मिठाई, जिसे अपने साथ उत्तर प्रदेश से ले आई थी अक्षिता और मृणालिका की आपू, जब वो मयूरभंज के शाही परिवार का हिस्सा बनी थी। जब मैं अपनी हिस्ट्री और अपने फैमिली के बारे में पढ़ रही थी और एक्सप्लोर कर रही थी कि ये लोग कौन थे, तो एक स्टोरी मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करी थी, और ये स्टोरी था मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की, जो महाराजा हिज हाइनेस महाराजा श्री रामचंद्र भंज देव थे। तो ही इज़ अनडाउटली वन ऑफ द भंज डायनेस्टीज मोस्ट फेमस किंग्स, ही इज़ नोन एज द फिलोसोफर किंग। उसी टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द work of development in Mayurbhanj was done in his time period. The infrastructure for Mayurbhanj as it exists today was actually done by Shri Ramchandra Bhanj Deo 200 plus years ago. यदि वो उत्कल संभली नहीं करते और उत्कल का मैप नहीं देते तो आज ये उड़ीसा रहता भी नहीं, वो आइधर बंगाल में चला जाता नहीं तो बिहार में चला जाता। So he is one of the architects of modern Odisha. श्री रामचंद्र भंज देव का व्यक्तित्व जिसमें एक निर्माणकर्ता, एक बुद्धिजीवी का अक्स दिखता था,
और जो विवेकानंद के आदर्शों का प्रतिबिंब है, उसकी एक झलक मिलती है उनके ही पुस्तकालय में, जो आज भी बीत गए लम्हों को समेटे बह रही है यादों के साथ, और उन्हीं यादों की झलक मिलती है उनकी प्रेम कहानी में। सुभनाथ बोलते लाइब्रेरी तो एक बुक मुझे मिला, वेरी सिंपल बुक, 5-6 चैप्टर्स, एंड इट वाज अबाउट अ वुमन कॉल्ड सुचारू देवी, हु वाज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पीपल कमिंग आउट ऑफ बंगाल, हिज नेम वाज केशव चंद्र सेन। एक सशक्त और अपने समय से बहुत आगे चल रही सुचारू देवी और अपनी प्रजा को समर्पित एक राजा श्री रामचंद्र भंजदेव की ये प्रेम कहानी आज भी गूंजती सी महसूस होती है मयूरभंज की फिजाओं में। मोहब्बत और समर्पण की उसी नींव पे खड़ा है मयूरभंज का खूबसूरत बेलगाड़िया महल, जिसे बनवाया था महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव ने सुचारू देवी के लिए। हम खाना खाते हैं, वो एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं फूड माइल्स को कम करने के लिए। आयुर्वेदा भी वो ही सिखाती है, जो वो धरती या वो एरिया में उगती है नेचुरली, आप उसी को खाएं। एक वेरी इम्पोर्टेंट या एटलीस्ट वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ कुकिंग इज जो यहाँ पर ये करते हैं बैम्बूज के साथ। दे यूज बैम्बू बिकॉज इट ग्रोज वाइल्ड इन देयर बैकयार्ड। This was again a very good example for me to see of slow cooking, जिसको कहलाता है। आपका कोई time limit नहीं है, जब खाना पकेगा एक steam वो bamboo shoot से निकलेगी, आपको समझ में आएगा कि ये खाना बन गया है। जब मैंने इनका काम देखा और ये घास देखा तो मुझे लगा कि ये तो अफ्रीकन बोल्स और बास्केट्स जो अफ्रीका में बनता है वो ऐसे ही बनता है, तो मुझे लगा कि शायद कोई कनेक्शन है, शायद ना भी हो। लेकिन फिर एक हिस्टोरिकल आर्टिकल में लिखा था कि महाराजा श्री रामचंद्र भंजदेव मेडागास्कर बहुत जाते थे, मेनली जाते थे शिकार के लिए, और उसी टाइम उन्होंने देखा कि ये घास है जो अभी यहाँ पे सबाई बुलाते हैं वो वहाँ पे उग रहा था, और वहाँ पे लेडीज या जो आर्टिस्ट वहाँ मेडागास्कर के थे वो लोग इसके संग बोल्स बना रहे थे और इनका लाइवलीहुड बन रहा था इस घास के ऊपर, तो उन्होंने ही ये घास यहाँ पर लेके मयूरभंज में लगवाए थे। और अब इट्स एक्चुअली बिकम अ स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस फॉर दीज लेडीज हु हैव बीन वर्किंग फॉर 10-15 ईयर्स just making their livelihood on sabai grass and their handicrafts. अद्भुत से मयूरभंज के शाही परिवार की एक कहानी जो उनकी आस्था और निश्चय को दिखाती है वो है बारीपदा के जगन्नाथ मंदिर की। कहते हैं कि जब एक बार महाराजा बैद्यनाथ भंजदेव पुरी में विराजमान जगन्नाथ के दर्शन करने अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो पुरोहित ने उन्हें दरवाजे पर रोककर अकेले दर्शन करने के लिए कहा, लेकिन महाराजा बैद्यनाथ ने जो अपनी प्रजा और अपने सम्मान को सर माथे रखते थे ये कहते हुए दर्शन से इनकार कर दिया कि अपने प्रभु के दर्शन के लिए उन्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं और बिना अपने लोगों के वो ऐसा करना भी नहीं चाहते। और फिर जब वो वहां से निकल गए उनको एक विजन आया जहां पर उन्होंने बारीपदा मयूरभंज के लोगों के लिए एक जगन्नाथ टेंपल बनाया, तो उसके दूसरे ही दिन उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया।
और इसीलिए आज भी ये मंदिर बड़ी शान के साथ खड़ा है बारीपदा में और सुनाता है एक अद्भुत कहानी आस्था और इच्छा शक्ति की। और उसी की एक मिसाल है हर साल निकलने वाली मयूरभंज की रथ यात्रा, जिसमें सुभद्रा का रथ खींचा जाता है नारी शक्ति के द्वारा। और ये बात खास इसलिए है क्योंकि ऐसा पूरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। देवताओं को अपने राजा के रूप में स्वीकार करने वाले मयूरभंज के लोगों का खाना भी पूरी तरह दैवीय है, जैसे दौड़ा खिचड़ी जो बनती है यही उगने वाले पिंपड़ीवास चावल से, जिसके बारे में ये कहते हैं कि इसके कच्चे दानों से भी ऐसी खुशबू आती है कि चींटियां इनकी तरफ खींची चली आती हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होता है काली मूंग का, जो इसके स्वाद को जादुई अंदाज देता है। पर जो चीज इस खिचड़ी को बेहद खास बनाती है वो है गुआ घी, क्योंकि ये सिर्फ उसी दूध से बनता है जो 21 दिन बड़े बछड़े की मां से लिया जाता है। और दौड़ा खिचड़ी के साथ बनाई जाती है राम रोचक तरकारी, जो बारीपदा के जगन्नाथ को बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें इस्तेमाल होती है मूंग की बड़ी और यहीं उगने वाले कई सारी सब्जियां, जैसे आलू, बैंगन, टमाटर। जब मैं शादी करके राजस्थान से आई तो इस घर में कुजीन में ऑलरेडी मेरी मदर इन लॉ नेपाल से है, तो एक नेपाली इन्फ्लुएंस भी था। और यहाँ पे मैंने आके देखा कि हम लोग के उड़ीसा के जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, हर फेस्टिवल के लिए एक अलग पीठा बनता है। पीठा इज लाइक अ बेक डिश। और जैसे कि अभी प्रथमाष्टमी है इस महीने के अंदर, तो उसमें जो पूजा होती है भगवान को, उसमें इंदूरी पीठा लगता है, जो कि एक स्पेशल पीठा है और जो कि हल्दी के पत्तों में रैप करके बनाया जाता है। मयूरभंज के लोगों के लिए पीठा बिल्कुल वैसा ही है जैसे उत्तर भारतीयों के लिए है रोटी और दक्षिण भारतीयों के लिए डोसा, मतलब रोजमर्रा का खाना। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने अपनी पाक कला से इस रोजमर्रा के खाने को भी कई अलग अलग रूप दे दिए हैं, जिसमें से एक है इंदूरी पीठा। प्रथमाष्टमी को बनने वाला ये इंदूरी पीठा स्वागत करता सा दिखता है उस हरियाली का, जो हल्दी के पत्तों के खुलने के साथ ही कदम रखती है मयूरभंज की सरजमीन पर। हम छाऊ को बंगाल पुरुलिया में देखते हैं, झारखंड की सरायकेला में देखते हैं और मयूरभंज उड़ीसा में देखते हैं। द वर्ड कम्स फ्रॉम टू स्ट्रेन्स ऑफ थॉट, वन इज छाउनी एज इन बैरक्स एंड वन इज छाया एज इन शेड एंड शैडो। वॉर डांस वॉज कोरियोग्राफ बाय महाराज श्री रामचंद्र भंजदेव एंड प्रेजेंटेड टू द किंग ऑफ ब्रिटेन when he came to visit early 1900s Darbar in Calcutta. And the reason why he did the war dance was very interesting. Agar ek foreign invader ko ek presentation de rahe ho, but the fact that Maharaja Shri Ramchandra Bhanjdeo ne unko ek naach present kiya, that was on martial arts, that was on the war dance, that was on the superiority of our prowess as a military power. And then Chhau was recognized by the crown even in London. Chhau nritya ki usi kala ko aaj pure vishwa mein bade samman ki nazaron se dekha jata hai, kyunki Chhau ek roop hai usi kahawat ka jiske anusar agar shanti chahiye to yuddh ki taiyari kabhi rukni nahi chahiye।
हमारे राज परिवार और जो हमारे कम्युनिटी है, लिंक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई भी मेहमान बनकर किसी कम्युनिटी या किसी विलेज में चले जाए, तो जिस प्रकार वो विलेज के सदस्य उनके संग व्यवहार करेंगे, बहुत ही वार्म और लविंग के लव के साथ करते हैं। मयूरभंज का दिल और उसकी धड़कन है उसकी आदिवासी जनजातियां, जिन्होंने समझा है सुर हर मौसम का और जो अपना खाना ढूंढती हैं यहाँ के जंगलों और नदियों में। ये हमारे आदिम पुरखों की वो तकनीक है जिसे अंग्रेजी में फॉरेजिंग भी कहते हैं। एक थे फॉरेजर्स, एक थे फोकलोर सॉन्ग्स, जिसमें वर्ड्स लाइक मसल्स एंड क्लैम्स हैव आल्सो बीन यूटिलाइज्ड। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये सब शब्द जो है वो एक्चुअली क्विंटेसेंशियल मयूरभंज डिशेस बनाने में ही गया। और इसी प्रकार हमने डिस्कवर किया कि जो मयूरभंज थाली या डिशेस हैं वो इन फॉरेजर्स, इन कम्युनिटीज, इन यहीं से ही पैदा होकर हमारे प्लेट में आया गया है। मयूरभंज का जो आइकॉनिक डिश है, जिसने जाके आगे अर्बन बारीपदा मयूरभंज में संडे ब्रेकफास्ट को लीड किया, वो है मुड़ी मांसो। मोड़ी मांसों के लिए जो मोड़ी या पफ्ड राइस इस्तेमाल में लाई जाती है वो बनती है मुगई शाड़ो चावल से, जो मयूरभंज की अपनी खुद की पैदावार है। इस मोड़ी की खासियत ये है कि मांस के जायके को पूरी तरह सोखने के बाद भी ये कुरकुरी बनी रहती है और इसी वजह से ये इतनी नायाब है। तो कह सकते हैं कि मुगई शाड़ो के बिना मुड़ी मांसों की कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोग का एक मानना है कि जब सम्राट अशोका इधर कलिंगा के रीजन में थे और जब अब वो अपने वॉर्स लड़ रहे थे, तो उस समय उनकी भी ये मुड़ी मांसों एक फेवरेट डिश थी, क्योंकि ट्रैवलिंग में मुड़ी को लेके जाना बहुत इजी रहता है और मांसों भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। हम लोग की जो गोट्स हैं यहाँ पे, जो बकरियाँ होती हैं, वो ज़्यादा हमारे यहाँ साल पेड़ बहुत है, तो वो लोग ज़्यादातर साल पत्ते खा के बड़ी होती हैं, तो उसके कारण उनका टेक्सचर जो है मटन का और फ्लेवर में काफ़ी फर्क आ जाता है, एंड इट एड्स टू द फ्लेवर व्हेन यू कुक द मटन करी। के बारे में तो गांव के लोगों का ज़्यादा मानना यही है कि भगवान शंकर पार्वती के लिए ओ लाए थे। एक कहानी है वो कि ये पहले खाली स्वर्ग में मिलता था और पार्वती माँ इसको स्वर्ग से लेके पृथ्वी पर आई थी, शायद इसी कारण से ये मंदिरों में भी भोग में भी भगवान को लगता है। एक था कि जो मेरा मेन मिशन था जब मैं 23 साल की थी, कि मुझे खाली एक बिल्डिंग को रिस्टोर करना है, उसके थ्रू मुझे मेरे अपने फैमिली के बारे में और जानकारी मिली, उसके थ्रू मुझे कम्युनिटी के बारे में और जानकारी मिली कि किस तरह के यू नो हैंडीक्राफ्ट विलेजेस है, फोक डांस है, उसके थ्रू मुझे मिला यू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्या क्या खाना
कम्युनिटीज़ को पसंद है यहाँ पे, क्या क्या खाना उनके विलेज या उनके जगह की नेटिव खाना जो बोलते हैं? A thousand years ago, मेरे ancestors को शायद invading armies से बचना था. अब मुझे लगता है कि जो हमारे natural disasters है, जो हमारे climate refugees होने वाले हैं, is a bigger problem. And how to safeguard people from not invading armies, but invading natural disasters, from global pandemics and health epidemics is going to be the fight of our time, of our generation. So how to build a sustainable community which is self-dependent and able to prosper might be the legacy that I would like to leave behind. तो जब हम मयूरभंज के बारे में अपनी इतिहास फिर से लिख रहे थे तो हम ये भी देख रहे थे कि मयूरभंज की जो स्टोरीज है वो अपनी ही स्टाइल, जो उड़ीसा से नहीं, बंगाल से नहीं, झारखंड से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं, अपनी ही यूनिक इंडिविजुअलिस्टिक स्टाइल है हमारे कपड़े में, हमारे भाषा में और हमारे खाने में. कह सकते हैं कि मयूरभंज की अपनी थाली है, अपनी खाना है, अपनी प्रेपरेशन टेक्निक्स है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी. तो ये हम उड़िया नहीं कह सकते क्योंकि ये कुजीन्स और डिशेस प्री डेट्स व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा वाज इवन फॉर्म्ड. जहाँ से मैं एक पॉइंट पे शुरू हुई हूँ ना, मैं पूरा सर्कल लेके वापस उसी पॉइंट पे आई हूँ, लेकिन मेरी डिस्कवरी की जो चक्र है उस पर मैंने बहुत सारी चीज़ों को अनरैवल किया है. और आज जब मैं कहती हूँ कि मैंने एक पूरे डिश मयूरभंज थाली विच इज़ फुल ऑफ मयूरभंज डिशेस को अनरैवल किया है, जैसे बातचीत से, फोक लोर से, फोक डांस से, हिस्ट्री बुक्स से, तो ये सब जो है, दीज वो ऑल द कनेक्टिंग डॉट्स विच हैव एक्चुअली ब्रॉट मी टू द लास्ट, not the last point, but maybe to a landing page, which is this Mayurbhanj Thali. अपनी विरासत को लेके अपनी यादों को जीते हुए और पुरानी कहानियों में फिर से खुद को ढूंढते हुए कैसा लगता है ये बात मयूरभंज से बेहतर शायद ही कोई समझ सके. पर मयूरभंज के शाही परिवार के वारिस इस बात को बड़ी शिद्दत से समझते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, क्योंकि उन कहानियों में नए रंग भरने की जिम्मेदारी अब उन्हीं की है.